तो ये आप लोग देख सकते हैं, मेरा स्कूटी से टायर खोल दिया वो लोगों ने। जब भी निकलते हैं किस्मत बुरा रहता ही है। मिनी लद्दाख का एक्सपीरियंस हो गया हम लोगों को। वाटर क्रॉसिंग कर लिया हम लोगों ने। पूरा ऑफ रोडिंग करते हुए हम लोग पहुंच गए नदी का साइड में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। मैं हूं मृणमय शाहदास और आप लोग मुझे पहचानते हैं एज अ 13 एक्सप्लोरर। इतना दिन मैंने फेस नहीं दिखाया अपना क्योंकि मुझे शर्म आता था वीडियो बनाने के लिए फेस दिखा के, बट बहुत प्रैक्टिस करता था मैं इसके लिए। तो अभी फाइनली प्रैक्टिस करने के बाद आज मैं अपना फेस दिखा के वीडियो बनाने के लिए रेडी हो गया हूँ काइंड ऑफ। तो आप लोगों को आज मेरा फेस दिखने को मिल गया। वैसे कुछ मेरा वो था नहीं, आपका फेस नहीं दिखाऊंगा वगैरह वगैरह, बट शर्म आता था। वो जो जो नया यूट्यूबर है सबको पता है कितना मुश्किल होता है ऐसे फेस दिखा के बात करना, ब्लॉग बनाना। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और इतना दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा खराब था, ये सीजनल चेंज के लिए मेरा बुखार आ गया था, सर्दी खांसी वो वगैरह वगैरह। तो इतना दिन कहीं निकल भी नहीं पाया, तो रेस्ट कर रहा था। तो आज फाइनली जाके इतना दिन बाद निकल रहा हूँ, मैं घर से ही निकल रहा हूँ, ऐसे तो नहीं निकला घर से। तो गाइस चलिए आज बने रहिए हम लोगों के साथ, देखिए। और हम लोग क्यों बोल रहे हैं क्योंकि मेरे साथ और एक दोस्त जा रहा है मेरा, ये आप लोग देख सकते हैं, अभिजीत इसका नाम है। तो हम दोनों जा रहे हैं घूमने, देखते हैं कहाँ जाते हैं, ऐसे ही एज अ राइड जा रहे हैं हम लोग। तो वैसा कोई फिक्स जगह नहीं है कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, तो आज निकलते हैं हम लोग। तो आप लोग बने रहिए देखिए और प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं स्कूटी पे। तो ये हम लोग आ गए स्कूटी पे, अपना स्कूटी पे बहुत दिन बाद निकल रहे हैं। आज बारिश का मौसम है, बारिश नहीं गिरना चाहिए, अगर बारिश गिरता है तो मेरा रिकॉर्डिंग सब चला जाएगा बाहर में। तो गाइस अभी घर से निकलते हैं, आप लोगों को सामने जाके मिलते हैं। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं और प्लान बनाया है दुधिया से और जाने का। दुधिया से थोड़ा उधर जा सकते हैं अंदर के और दुधिया से, तो अभी देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं क्योंकि इधर में हो रहा है बारिश। आप लोग को समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा आई डोंट नो, बट इधर में थोड़ा ड्रिजलिंग हो रहा है। देखते हैं किस्मत में क्या है, बारिश में रिकॉर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं करता हूँ फ़ोन में रिकॉर्डिंग, तो बारिश में आई गेस रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा ठीक से। तो गाइस मिलते हैं आगे आप लोगों से। बज लो भैया, आप ही बज लो पहले, हॉर्न मार लो पहले। 2000 years later। तो ठीक है बढ़ते हैं आगे, आप लोग बने रहिए देखिए गाइस। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं, जो लोग सिलीगुड़ी में रहता है वो लोगों को तो पता ही होगा ये बालासन ब्रिज का आगे जाम लगता ही है। ये ब्रिज कब ठीक होगा, काम तो चल रहा है उधर में लिखा भी हुआ है। ये ब्रिज बेंड हो गया था काइंड ऑफ आ बहुत 1-1.5 साल पहले, तो अभी इसको रिपेयर करके चला रहा है, तो इसमें बहुत ट्रैफिक लगता है इस ब्रिज में। तो अभी देखते हैं कितना दिन इतना ट्रैफिक सहन करना पड़ता है हम लोगों को। बाहर आज क्लियर ही है बट क्लाउडी है थोड़ा बहुत, वह आप लोग देख सकते हैं। तो आज देखते हैं कैसा वेदर मिलता है हम लोगों को। वेदर तो बारिश का ही है, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा है। तुमसे ना हो पाएगा, पागल हो गया हूँ बीमार हो के। हम लोगों के लिए ये रूट पड़ता है दुधिया जाने के लिए, ये माटीकारा खपराइल मोड़ से बाया लेने से दुधिया का रास्ता करशियंग रोड मिल जाता है। तो इधर से हम लोग जाते हैं, इधर में इजी होता है। और कॉलेज से जाने से हम लोगों को उधर से आना पड़ता है, आपका सुखना होके आना पड़ता है कॉलेज से आने से। तो हम लोग यही रूट से जाते हैं घर पर रहने से, और कॉलेज से जाने से उधर से जाते हैं हम लोग।
थोड़ा हवा चेक कर दीजिए ना। हवा भैया थोड़ा आगे हो, थोड़ा आगे, ओ उधर पे, ठीक है ठीक है ठीक है। দাপছে নাকি জিজ্ঞেস করো, দাপছে নাকি দেখছো ভাইয়া, থোড়া হাওয়া চেক কর দিজিয়ে না। तो गाइस मेरा पीछे का टायर का थोड़ा हवा कम है, शायद वो थोड़ा स्किप कर रहा था तो अभी रुका है हवा चेक कराने के लिए इसके, क्योंकि थोड़ा डिसबैलेंस हो जा रहा है चलाने में, टायर का हालत ख़राब ही है अभी देखते हैं। पीछे का टायर, टायर भी चेंज करना पड़ेगा, पूजा का पहले सोच रहा है चेंज करने के लिए, पूजा आ रहा है ना तो उसका पहले चेंज करने के लिए सोच रहा है, अभी देखते हैं। कितना है मामी ने ली कैसे नहीं की, देखो तो ली कैसे, ली कैसे मन होच्छे चेंज कर दो। ढुका दो ढुका दो, আর না টায়ারই শেষ এটার অবস্থা। पूरा लीक है ये गाइस, आप लोग देख सकते हैं इधर पे, समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा आप लोग, आई डोंट नो, बट ये लीक हो गया है, टायर खत्म नहीं है, नया टायर डालना ही पड़ेगा। खर्चा का ऊपर खर्चा, कुछ दिन पहले बैटरी, उसका बेल्ट सब चेंज किया, अभी टायर भी चेंज करना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग यहाँ पे रुके हैं, मेरा टायर का हालत एकदम ही ख़राब है, अभी खोल के उसको बनाना पड़ेगा। टायर चेंज करने का सोचे थे तो अभी इधर पे टायर नहीं है, MRF या अपोलो TVS टायर थे, TVS नहीं लगाऊंगा क्योंकि कंपनी से TVS आया, ज़्यादा दिन नहीं चला मेरा स्कूटी का, तो उसके लिए अपोलो MRF इधर पर नहीं है, तो अभी बना के ही लेके चलते हैं। मेरा किस्मत ही ऐसा है, जब भी निकलता हूँ राइड पर कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ होगा ही ज़रूर, तो उसके लिए अभी बनाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरा स्कूटी से टायर खोल दिया वो लोगों ने, जब भी निकलते हैं किस्मत बुरा रहता ही है, और इधर पे बहुत सारा गाड़ी सब जा रहा है तो उसके लिए बहुत नॉइज आ रहा होगा आप लोगों को, मेरा साउंड क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, तो टायर का हालत भी बहुत ख़राब है, आप लोगों को दिखाते हैं, रुकिए टायर का हालत ये देख सकते हैं आप लोग, इधर पर एक लीक हुआ पड़ा था, इसको अभी अंदर से बनाना पड़ेगा, टायर एकदम ख़त्म, चेंज करेंगे बहुत ही जल्दी, देखते हैं आज नहीं तो कल चेंज करना पड़ेगा टायर। अभी देते हैं भैया को बनाने, हम लोग वेट करते हैं, क्या ही कर सकते हैं, अभी वेट करना पड़ेगा, और किस्मत तो बुरा ही है मेरा हर समय की तरह, जब भी कहीं पे निकलता हूँ ऐसा हालत होता ही है मेरा, तो मिलता है टायर बनाने के बाद आप लोगों से। तो फाइनली मेरा स्कूटी का टायर ठीक हो गया, ठीक मतलब पंचर ठीक करके दिया भैया ने अंदर से खोल के, इसका आप लोग को दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाला ठीक करके दिया, टायर तो चेंज करना ही है, एक हफ्ता का बीच में चेंज कर लूँगा टायर, तो आधा घंटा लग गया इधर पे ही, तो अभी लेट ना करके निकलते हैं हम लोग, आते हैं अपना हेलमेट वाला सेटअप में। तो आ गया अपना हेलमेट वाला सेटअप में, तो अभी निकलते हैं गाइस यहाँ से, ज़्यादा लेट ना करके, ऐसे ही बहुत लेट हो गया, तो जाते हैं, और भूख भी लगा है गाइस, कुछ खा के नहीं आया सुबह, तो वहाँ पर जाके खाते हैं कुछ, बहुत ही गंदा वाला भूख लगा है मुझे, तो अभी जाते हैं आगे, आगे मिलते हैं आप लोगों से।
पूरा ऑफ रोडिंग करते हुए हम लोग जा रहे हैं गाइस। अभी इधर में तो बहुत पानी है, मिनी लद्दाख का एक्सपीरियंस हो गया हम लोगों को, वाटर क्रॉसिंग कर लिया हम लोगों ने, मिनी लद्दाख वाला एक्सपीरियंस है। जंगल में कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो लेफ्ट साइड तो पूरा ऑफ रोडिंग करते हुए हम लोग जा रहे हैं। उधर में मिनी लद्दाख का एक्सपीरियंस भी हो गया हम लोगों को। अभी रास्ता बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है रास्ता, बहुत ही खराब है, ज़्यादा दूर नहीं थोड़ा ही खराब है वो रिवर साइड जाने के लिए। पूरा ऑफ रोडिंग करते हुए हम लोग पहुंच गए नदी का साइड में, यहाँ पे बैठेंगे, व्यूज देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही मस्त है, आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे भी, बट आप लोग अभी देख के जस्टिस कर पा रहे होंगे, दोनों साइड पहाड़ पहाड़, बीच में नदी, बट रास्ता बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब, बहुत ही पत्थर वाला रास्ता है, पत्थर वाला, पूरा हम लोगों का बॉडी वाइब्रेशन हो जा रहा है। तो आगे मिलते हैं रुक के आप लोगों से। तो गाइस ये हम लोग पहुंच गए अपना डेस्टिनेशन, जहाँ पे आज हम लोगों का आने का प्लान था, सडन प्लान था, कोई फिक्स नहीं था हम लोग यहाँ पे आएंगे, बट ये आपका दुधिया जो आप लोगों का मिरिक का रास्ता चला जाता है, जो लोहे का आप लोगों को ब्रिज मिलता है मिरिक जाने से पहले, तो उसका आगे से आप लोगों को राइट लेके अंदर थोड़ा आना पड़ता है, रिवर साइड में है। इधर में बहुत सारा रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है इधर में, तो आप लोग इधर पे आके बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, नदी का साउंड, चारों ओर हिल्स, पहाड़ी पहाड़ आप लोग देख सकते हैं, ग्रीनरी से भरा हुआ, तो बहुत ही अच्छा जगह है। आप लोगों को कुछ व्यूज भी दिखा देते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को यहाँ का व्यू, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। अभी हम लोग आ गए थोड़ा पानी का साइड में, पानी में उतरने का मन था बट पानी थोड़ा गंदा है और पानी का बहाव भी थोड़ा तेज है बारिश की वजह से, तो इसलिए नहीं उतर रहे। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, वाइब भी बहुत ही अच्छा है यहाँ का, पीसफुल है, हवा भी ताज़ा है, पहाड़ों का हवा, तो मज़ा आ रहा है। और गाइस यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है खाने पीने के लिए। वैसे तो मुझे तो बहुत गंदा वाला भूख लगा है और अभी 5 भी बज गया है, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, तो अभी जाते हैं खाते हैं, खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। सोचे थे यहाँ पे खाना खाने का बट यहाँ पे खाना नहीं खा रहे क्योंकि 5 बज के ज़्यादा टाइम हो गया, अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और ये ख़राब रास्ता भी जाना है, और मेरा स्कूटी का हालत तो आप लोगों को पता ही है, मेरा टायर का हालत अभी भी, आपका टायर से थोड़ा हवा लीक हो रहा है, तो रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाने से बहुत दिक्कत हो जाएगा जाने के लिए। तो आगे जाके जहाँ पे मिलता है वहाँ पे खा लेंगे कुछ, और अभी गाइस आगे जाते हैं हम लोग, और आप लोगों को अगर आगे कुछ दिखाने का लायक होता है तो आप लोगों को दिखाएंगे, नहीं तो आगे जाके ब्लॉग एंड कर देंगे क्योंकि आप लोगों को सेम रास्ता क्या ही दिखाएंगे। तो आगे जाते हैं, आगे जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है, आप लोगों को कैमरा में उतना जस्टिस नहीं हो रहा होगा, हम लोग दुधिया बाजार क्रॉस करके आके रुके हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पर ही ब्लॉग समाप्त करना चाहता हूँ, बिकॉज आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाऊंगा इस अंधेरे का वजह से, और मुझे भूख भी लगा है बहुत ज़्यादा, आप लोगों को मेरा चेहरा देख के मालूम चल रहा होगा शायद कितना खतरनाक भूख लगा है मुझे, पूरा लो फील कर रहा हूँ, एनर्जी डाउन फील कर रहा हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हालांकि मैं बहुत कुछ दिखाना चाहता था आप लोगों को बट दिखा नहीं पाया इस ब्लॉग में, तो वही मेरा किस्मत बुरा है उसके लिए, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूंगा आप लोगों को और ज़्यादा कुछ दिखाने का। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए,
ऐसे और वीडियोस के लिए। और गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, थैंक यू सो मच गाइस।